ये देखो टूट जाएगा, टूट जाएगा बेटा, शीशा टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, शीशा टूट जाएगा। नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे 5 बजे के बाद जो है ना, नज़ारा ही चेंज हो जाता है, पता नहीं। और अभी रात के ना 9 बज गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का अभी कोई अता पता नहीं है। 15 मिनट बाकी है, मैंने गलत देख लिया। तो ये देखिए, 9 बजने बज, नहीं अभी नहीं पापा, 5 बजे के बाद ना यहाँ नज़ारा ही चेंज हो जाता है। अगर आपने शाम को 4 बजे 5 बजे अपनी बालकनी खोल दी ना, तो आपको देखो ना ही पंखे की ना ही एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ का नज़ारा ही चेंज हो जाता है। ये देखो, मैं कहती हूँ ना, उधर बहुत खेत है, पहाड़ है, ये मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा दरवाज़ा तक भाड़ भूड़ करता रहता है। तो मैंने सब्जी बना दिया है, आटा लगा दिया है, और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि आज हो सकता है सैटरडे है, कोई काम आ गया होगा अर्जेंट। तो निशु के होमवर्क भी करा दिए, घर के सारे काम भी कर लिए, और आज गाइस फाइनली मैंने एक ब्लाउज़ भी बना लिया है। तो ये देखो कहाँ गया, तो अभी फ़ोन गिरता, इधर आ, तेरे को बताती हूँ, अभी फ़ोन गिरता, इधर आ। तो अभी जस्ट मैंने आटा लगाया है, और अभी ये देखो मैंने दोबारा कपड़े लगाए हैं। मैंने देखा कि मेरे और निशु के कपड़े गंदे हैं, तो सुबह मैंने हस्बैंड के कपड़े धुले थे, और अब जो है अपना और निशु का धुला है। ये देखो अभी जस्ट लगाया मैंने, और यहाँ से नज़ारा देखो आपको, मतलब तो सड़क पे गाड़ियाँ जा रही है, बालकनी पे खड़े हो जाओ, गाड़ियों मोटर को देखते रहो, आपका मतलब दिल बहल जाता है। अगर आप बाहर भी नहीं जाते ना, तो आपका मन लग जाता है। यहाँ पे इस टाइम ना बालकनी पे बहुत अच्छा लगता है, आप व्यू देखो, आपको व्यू देख के आपको छत पे जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं और जाने की, हरिद्वार ऋषिकेश जैसी जगह का। ये पूरा आपको शाम के मतलब 5 बजे के बाद यहाँ का पूरा जो है नज़ारा चेंज हो जाता है गाइस। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, इतनी ठंडी हवाएं चलती है ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये देखो मेरे कपड़े धुल रहे हैं, और अब रात के 9 बजने वाले हैं, लेकिन हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। आई डोंट नो कि कहाँ पे हैं, मैंने फ़ोन भी किया था, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो चलो, अब मैं कपड़े धुल रहे हैं, घर के सारे काम हो गए हैं, और मैं बैठ के आराम से ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ, और देखती हूँ मेरे कुछ काम होंगे चूड़ियाँ वगैरह का, तो मैं यहीं पर बैठ के करूँगी अपना काम। तो चलिए देखो, बाल्टी वाल्टी सब उड़ने लगी क्या भाई? इसमें बोल रहा आवाज़ आ रही है। सो गाइस, ये क्या है मेरा एक पुराना पर्स, और जिसे मैं करने वाली हूँ DIY। ये देखिए, पूरा यहाँ से भी साइड से भी इसका चैन वैन सब उखड़ गया है, और ये रहा। तो इसको हम करेंगे DIY। और मेरे फ़ोन का बैटरी एकदम लो है, तो पहले फ़ोन चार्ज करती हूँ, उसके बाद आप लोग उससे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक अपना ओल्ड पर्स रीयूज कर रही हूँ,
और इसको रियूज़ करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं बना रही थी कि अगर आप लोगों का पर्स भी इस तरीके से ओल्ड हो जाए और आप उसको फेंकने की सोच रहे होंगे तो एक बार ज़रूर सोच लीजिए कि क्या उसका कोई रीयूज़ हो सकता है। तो गाइज़ ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनका रीयूज़ हो सकता है, आप पुरानी चीज़ों को नया लुक दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पर्स को रीयूज़ कर रही हूँ और मेरी बदकिस्मती थी कि मेरा ग्लू स्टिक बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से एक साइड का ही बना पाई हूँ पर्स। और मैं जो है शादी की तैयारियाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अप्रैल से जो है कुछ फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं अपने साड़ियों के ना कुछ ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो कैसे कैसे ब्लाउज़ बना रही हूँ ना आप लोगों के साथ अपना ब्लाउज़ ज़रूर शेयर करूँगी गाइज, आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो ब्लाउज़ की मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ गाइज़, क्योंकि मैं अगर ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करूँ भी तो मतलब मुझे कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है मेरे वीडियोस में। तो इस वजह से गाइज़ मैं जो है मैं भी मेहनत कर करके हार गई हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ और उसका फल मुझे ना मिले। तो हर किसी को गाइज़ उम्मीद होता है कि अगर वो मेहनत करे तो उसका उसको फल मिले। तो चलो सबर का फल मीठा होता है गाइज़, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या है और मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैंने बेस रेडी किया है और बनने के बाद ये कितना खूबसूरत बनने वाला है। और गाइज प्लीज़ 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 आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ का बेस जो है मैं रेडी कर रही हूँ। और ये है चौक मिट्टी, और चौक मिट्टी से ये सारे बड़े प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट के साथ ना क्ले के साथ काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा गाइस। तो कोशिश करें कि चौक मिट्टी या वाइट सीमेंट या वाइट पुट्टी से इस तरीके के प्रोजेक्ट आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएं। तो अभी इसकी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो जब तक ये थोड़ा सा सूखेगा नहीं, ये जल्दी जो है चौक मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो जब तक ये सूखेगा नहीं इसके आगे का प्रोजेक्ट अगर हम रेडी करेंगे तो इसका बेस जो है ना ये सब ख़राब हो जाएगा या फिर फूटने लगेगा जल्दी। तो अभी मैंने इसको पूरा स्मूथ कर दिया है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस मैसी हो गया है तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं यहीं पर बैठ के काम कर रही थी। तो चौक मिट्टी मैंने कौन सी यूज़ किया है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये वाला मैंने TAC का ये वाला चौक मिट्टी यूज़ कर रही हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चौक मिट्टी। ये 30 रुपये का मिल जाता है और मुश्किल से ये आपका 50 से 60 रुपये में बड़ा प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट ये मेरे पास वेस्ट था तो इसको ही मैंने काट के यहाँ पे लगाया है। और दो मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किए हैं डैड सीट, और बाकी सब कुछ मैंने चौक मिट्टी से ही बनाया है। और वेस्ट जो मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेके जाते हैं ना फॉल पेपर, तो मैं उनको बोलती हूँ कि फेंकना नहीं वापस लेकर आना, तो वो हमेशा वापस लेके आते थे तो उन्हीं को जो इकट्ठा किया था। तो ये इसके अंदर जो है वॉल पेपर है, और ये जो आपको डंडी खड़ी दिख रही है वो ये है कार्डबोर्ड का इस तरीके से सर्कल, और नीचे जो है वो भी कार्डबोर्ड है। तो ये पेड़ के ब्रांचेस हैं, और गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है, तो मैं देखती हूँ किसका आंसर राइट होता है। तो मैं मान जाऊँगी कि आप लोग भी इन सभी चीज़ों के लवर हैं। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं पानी से, ताकि ये सूखने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगे। थोड़ा थोड़ा चौक मिट्टी जो है ब्रेक होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बाद में सही हो जाती है। ठीक है, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो गाइज, और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आई थिंक 6 बज रहे हैं, मुझे टाइम का बिल्कुल भी याद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रेल लग गई है बॉडी की, तो आपकी बहन आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब ये हो गई कि आपकी जो दीदी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हस्बैंड ने खाना पीना बनाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ भी नहीं बनाना, तो वो खाना वगैरह सब बाहर से लेकर आएंगे। कल पीठ तोड़ के मैंने ब्लाउज़ बनाया, और उसके बाद पर्स बनाया, और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट बना रही हूँ चौक मिट्टी से। उसका रिजल्ट एंड क्या होगा वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ हाथ में लेती हूँ ना तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो उसका भी रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जल्दी दिखा दूंगी। लेकिन हाँ, चौक मिट्टी के साथ अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना तो बिल्कुल भी काम मत करना, क्योंकि चौक मिट्टी जो है ना ब्रेक होती है, ज़्यादातर ब्रेक होती है। देखना बेटा पानी न गिर जाए,
कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, तो मैं किसी चीज़ को ना छोड़ती नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो हूँ ना, मैं जो हूँ, चलो छोड़ो। सो गाइस, इसलिए आज आप लोगों को मैं ऐसी दिख रही हूँ, थोड़ा सिंपल सी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपके जीजू ने बोला है कि खाना नहीं बनाना। तो ये वाला कपड़ा जो है मैं लेकर आई थी 1 मीटर, आई थिंक मुझे 130 रुपये का मीटर मिला था या 120, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो 1 मीटर मैं पूरा लेकर आई थी, ये बटरफ्लाई वाला कपड़ा है। और इसका मैंने ब्लाउज़ बनाया है, और ये ब्लाउज़ जो ये वाला आपको जो ब्लाउज़ दिख रहा है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बनाया हुआ है, आज से नहीं, कम से कम इस ब्लाउज़ को बनाए हुए हो गया मुझे 3 से 4 साल, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इस ब्लाउज़ को बनाया हुआ 4 साल हो गया, क्योंकि ये मैंने पहला ब्लाउज़ बनाया था। और इसको मैंने कब बनाया था, जब मैंने 1500 वाली सिलाई मशीन लिया था ना, तब मैंने इसको बनाया था। ये मेरा पहला ब्लाउज़ था और बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो किसी किसी साड़ी के साथ इसको मैं पहनती थी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस ब्लाउज़ का कुछ रीयूज़ किया जाए, तो इसलिए मैं ये वाला भी फैब्रिक भी काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी। कपड़े ले कर मैं रखी रहती हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से गोटा लेस लगा के और पूरी इसकी चुनट्टी दे दे के और इस तरीके से बनाया है पूरा। आप चाहे तो इसको प्लाजो के साथ या सरारे के साथ भी पहन सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने नीचे भी पूरा गोटा पट्टी लगाया हुआ है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो पहनने के बाद कैसा लगेगा वो तो आपको भी थोड़ी देर अभी मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूँगी और सेकेंड में दिखाती हूँ आपको। तो सेकंड है ये पर्स, जो कि कल रात को मैं बना रही थी, लेकिन मेरा हॉट ग्लू स्टिक जो है होता है ना वो ख़त्म हो गया था, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है अधूरा रह गया है। मतलब फ्रंट में हो गया है, कंप्लीट हो गया, बन गया है अच्छे से, लेकिन ये देख सकते हैं अभी मैं सोच रही हूँ कि पीछे इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल्डन का काम कर दिया है। सिल्वर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये इसी तरीके से है। इसको मैं DIY करूँगी कि आगे नहीं करूँगी, लेकिन आप दूर से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसका जो लेदर है, कपड़ा है ना, सब फट चुका था, इसलिए मुझे ना इस पर डिज़ाइनिंग करने के बजाय ना कवर करना ज़्यादा बेटर। ये लेस जो मेरी साड़ी से निकला था ना वो लेस है, तो मैं कोई चीज़ को भी गाइस फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से रीयूज़ कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि मैं किसी का नकल नहीं करती हूँ, मैं जो भी वीडियो लेकर आती हूँ अलग से लेकर आती हूँ, इंटरेस्टिंग लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ। लेकिन क्या वो कहावत है ना कि बड़े लोग छोटे जो होते हैं बड़ों को देख के सीखते हैं, लेकिन यहाँ तो अपोजिट है, यहाँ पे कुछ बड़े लोग जो है ना हमारे जैसे छोटे लोगों से ही नकल कर करके सीखते हैं। बट कोई ना गाइस, तो एक तरह से देखा जाए तो दिमाग में और टैलेंट में तो हम ही बड़े हैं, क्योंकि कुछ भी मैं कर लूँ ना, कुछ भी कर लेती हूँ, चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो कुछ लोग हैं, आप लोगों में से कोई नहीं है, कुछ है होंगे कुछ लोग तो नकल करते हैं, चाहे मेरे रियल लाइफ में, मैं अपने ये समझ लीजिए कि मैं अपने रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, तो जो मैं करती हूँ, जैसा करती हूँ, मुझे जैसा मतलब मैं जो चीज़ करती हूँ ना, उन लोगों को वही चीज़ करनी होती है। तो कॉपी कैट होते हैं ना, कॉपी कैट, उनके दिमाग में मतलब कुछ नहीं होता, तो ऐसे कॉपी कैट है जो मेरी हर चीज़ की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं और मेरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, मेरे जैसी नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस आप देख के तो नकल कर लोगे, चुरा लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन ये जो दिमाग का खुराफात है ना, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि आपका सामान चोरी हो सकता है, सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो कलाकारी है ना वो कोई चोरी नहीं कर सकता है, तो दिस इज़ ट्रू। तो ये मैं जो कुछ भी लेकर आती हूँ अपने दिमाग से लेकर आती हूँ, बहुत सोचती हूँ, मेहनत भी उतना ही करती हूँ। तो गाइस देखो, मेहनत आदमी करे और उसका फल ना मिले, तो इसलिए 1 साल मेहनत करेगा आदमी, 2 साल मेहनत करेगा, 3 साल मेहनत करेगा, उसके बाद वो हताश ही हो जाता है गाइस। तो मेहनत का अगर आपको फल ना मिले ना, तो फिर बेकार है मेहनत करना किसी भी चीज़ में।
मेहनत हम करें, क्रिएटिविटी हम करते हैं, हमारे जो मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं ना उसको भी लोग चुरा लेते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुंह से निकले हुए शब्द को भी लोग चुरा लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे दुनिया में घटिया लोग पड़े हैं, तो ये कॉपीकैट लोग जो हैं इनके बस की कुछ होती नहीं है, क्योंकि ना ये कुछ कर सकते हैं ना ही ये कुछ आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। हाँ, मुंह से बोल के ज़रूर नंबर इकट्ठा कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में जितना मैं मेहनत करती हूँ ना, शायद अगर कोई करता होगा ना तो मुझे बता देना। लेकिन यहाँ पे जो है ये घोर कलयुग चल रहा है, और वो एक बार भी मैंने वीडियो में बोला था कि कौवा जो है मोती खाएगा और हंस जो है दाना चुगेगा, तो यहाँ पे ऐसा ही सीन है। जो हंस है वो दाना खा रहे हैं, और जो कौवे हैं ना, जो कौवे सिर्फ जो काँव 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 करते हैं ना अपने चैनलों पे, तो वो जो है मोती खा रहे हैं। तो ऐसे ही है, इनके बस की कुछ नहीं है, कोई 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 खास कुछ एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कॉपी करने में, दूसरों की कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत नकलची होते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो मेरे रियल लाइफ में भी हैं जो कोशिश करते हैं कि मेरी नकल कर सके, मैं क्या कुछ करती हूँ वो सारी चीज़ों का नकल करते हैं कुछ लोग। तो चलो गाइस, फॉरगेट इट, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने आज सुबह प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाया है वो मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से किसका कमेंट जो है सही आता है, तो और मेरा ब्लाउज कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर गाइस देखो, आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हो इस तरीके से कि आप लोग अपने फ्रेंड फैमिली और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की दीदी बहुत मेहनत करती है, देखो गाइस एक दिन एक ना एक दिन तो मैं भी हार मानी जाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रख रही हूँ और कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ हर तरह से, अलग डिफरेंट कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। आप सबको पता है कि आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कोई बकवास नहीं मिलती है, कोई बातें नहीं मिलती है, मैं आप लोगों का बातों से पेट नहीं भरती हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी से आप लोगों को जो है कुछ सिखाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए गाइज, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगे, अगर आप लोग मेरे से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, तो अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है गाइस कि ये सभी चीज़ें करने में ना कितनी ज़्यादा कमर टूटती है, हालत ख़राब हो जाती है। मैं सच में गाइस बहुत मेहनत करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी आज तबीयत भी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर अच्छे फ्रेश से आऊँगी, तबीयत ठीक करके आऊँगी और आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट रहूँगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो सके। और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो हैं मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, और मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने शेयर किया है और किस किस ने नहीं किया है। और जो लोग भी शेयर करेंगे वो सच्चे दिल से, अगर आप लोग माता रानी को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट करना कि दीदी हमने आपकी वीडियो को शेयर किया है। अदरवाइज मुझे तो, अगर आप लोग नहीं भी शेयर करोगे ना तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोग शेयर करते हो ना तो सच्चे दिल से आप लोगों को माता रानी का वास्ता है कि आप लोगों को शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और माता रानी करे आप लोगों की हर इच्छा पूरी हो, मनोकामना पूरी हो, आप लोगों को खुशियाँ मिले, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज है दशहरा। और मैं हूँ, कहते हैं ना कि शाम के टाइम मुंह से निकला हुआ वाणी जो है सच हो जाती है, तो आज है दशहरा, कल एकादशी है, और आप लोगों को भी दशहरा मुबारक हो, एकादशी भी मुबारक हो गाइस। तो सच्चे दिल से कमेंट करना, आप लोगों को माता रानी बहुत सारी खुशियाँ देंगी, ठीक है। बाय बाय।